यू नीड टू नो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हसन। अगर आप एक SBI अकाउंट होल्डर है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जरा भी स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SBI का ऐसा कुछ अपडेट जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। मैं बारीकी से एक एक अपडेट बताऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी चार्जेस, गलत चार्जेस ना लग जाए, क्योंकि बहुत सारा चार्जेस में अपडेट हुआ है। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो के और आगे बढ़ते हैं। सो पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये जो अपडेट आने वाला है 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा, मतलब अगले मंथ से। और इस अपडेट में चार जो मेजर सेक्शन है उसमें चार्जेस में अपडेट हुआ है। फर्स्ट है एवरेज मंथली जो बैलेंस मेंटेन का, उसका चार्जेस में अपडेट हुआ है। सेकेंड है ATM विड्रॉल का चार्जेस अपडेट हुआ है। थर्ड है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का चार्जेस में अपडेट हुआ है। फोर्थ है NEFT RTGS जो चार्जेस होता है उसमें अपडेट हुआ है। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस जो चार्जेस है, जो मिनिमम बैलेंस जिसको बोला जाता है मेंटेन करना, उसमें अपडेट हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अर्बन जो एरिया, जो शहरी एरिया है, वहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन जो था अकाउंट में, पहले था 5000 था, अभी उसको घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। सेकंड है सेमी अर्बन जो सिटीज़ है, सेमी अर्बन सिटीज़ में 3000 पहले था, अभी 2000 कर दिया गया है, जो 1000 कम हो गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र था, पहले भी 1000 रुपये थे, अभी भी 1000 रुपये। सो दोस्तों ये था मिनिमम अमाउंट जो बैलेंस होता है मेंटेन करने का, उस पर चार्जेस जो मतलब रेट जो है कम हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसके क्या चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्बन एरिया जो कि शहरी क्षेत्र है, उसमें क्या होता है। अगर आपका मिनिमम बैलेंस अप टू 50% कम होता है, मतलब 3000 का लिमिट है, 3000 से कम हो गया मतलब 1500 रुपये तक हो जाते, या फिर 2000 या फिर 2500, मतलब 3000 के कम, लेकिन 50% के ऊपर अगर आपका बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको चार्जेस लगेगा 10 रुपीस प्लस GST 18%, ये आपको लगेगा। अगर आपका 75% के नीचे चला जाता है तो, या फिर 75% या फिर 75% से और नीचे चला जाता है तो आपको चार्जेस होगा 15 रुपये प्लस GST, ये चार्जेस होगा। मतलब मान के चलिए आपको 3000 का एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना होता है, लेकिन आपने किया है 1000 रुपये करके मेंटेन किया है, और आपका अकाउंट जो है एक अर्बन एरिया मतलब एक सिटीज़ में है, सो आपको चार्जेस लगेगा 15 रुपीज प्लस GST। सिमिलरली सेमी अर्बन के लिए है, आपको 7.5 रुपये प्लस GST अगर आपका 50% तक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर आपका 50% से ज़्यादा, 75% से कम है तो 10 रुपये प्लस GST, और अगर 75% से भी नीचे चला जाता है तो हो जाता है आपका 12 रुपये प्लस GST। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये चार्जेस है 5 रुपये, 7.5 रुपये और 10 रुपये फॉर 50%, 75% एंड ग्रेटर देन 75% प्लस GST, इसमें 18% आपका इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ATM विड्रॉल चार्जेस। जी दोस्तों ATM विड्रॉल चार्जेस में भी अपडेट किया गया है। अब से आप टोटल जो है 8 बार ट्रांजेक्शन आपका जो है फ्री होगा। 8 ट्रांजेक्शन फ्री होगा, किसका होगा, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और जो नॉन मेट्रोज मतलब ग्रामीण या फिर सेमी मेट्रोज में रहते हैं उन लोगों के लिए 10 ATM विड्रॉल पर मंथ फ्री होगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, 8 जो विड्रॉल होगा वो SBI के लिए 5 है, और नॉन SBI जो ICICI HDFC वगैरह के लिए 3 है, ये फॉर मेट्रो। मतलब 8 का जो वेरिफिकेशन है 5 + 3, 5 SBI में 3 अदर में। सिमिलरली मेट्रो नॉन मेट्रो शहर के लिए जो 10 है उसमें वेरिफिकेशन है 5 + 5, मतलब SBI के लिए 5, नॉन SBI के लिए 5। सिमिलरली आपको यहाँ पे और एक चीज़ चेंज हुआ है, अगर आपने वो लिमिट 5 से ज़्यादा अगर यूज़ किया, मतलब 8 का आपको जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा 20 रुपये पर प्लस GST, आपको ये चार्ज लगेगा पर ट्रांजेक्शन के लिए। हाँ, ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर आपने 8 से ज़्यादा, सपोज आपका घर दिल्ली में है और आपने 8 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए एक महीने में, तो आपको 20 रुपये प्लस 18% GST, मतलब 18% GST होता 3 रुपये, तो 23 रुपये 60 पैसा करके आपको चार्ज पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन। सिमिलरली अगर आप नॉन मेट्रो शहर में हैं, नॉन मेट्रो शहर में, तो ये आप चार्जेस होगा 5 रुपीज़ प्लस GST। अब बात करते हैं अगर आपके अकाउंट में रहता है कम बैलेंस और आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करने गए ATM से,
मतलब इनसफिशियंट बैलेंस के चक्कर में आपका वो ट्रांजेक्शन तो डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो चार्जेस लगेगा 20 रुपये प्लस 18% GST, तो मिला के हो गया 23 रुपये 60 पैसा। सिमिलरली नॉन मेट्रो के लिए भी ये रेट एक ही है, 20 रुपये प्लस GST। अब बात करते हैं कार्डलेस, जो कार्डलेस विड्रॉल होता है ना, जो यूनो जो एप्लीकेशन है SBI का, जहाँ पे आप बिना कार्ड यूज़ किए ही पैसा निकाल सकते हो ATM से, अब वो फ्री नहीं रहा, अभी उसके चार्ज देना पड़ेगा 22 रुपीज़ प्लस 18% GST। जी दोस्तों, कार्डलेस कैश विड्रॉल जो है SBI का, वहाँ पे चार्जेस होगा 22 रुपीज़ प्लस 18% GST। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट। जी दोस्तों, सैलरी अकाउंट जिन लोगों का, ये तो क्या नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए, सैलरी अकाउंट जिन लोगों का है उन लोगों का SBI का जो खुद का ATM है उससे अनलिमिटेड फ्री कर सकते हो विड्रॉल, लेकिन आधार के लिए कैप जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगा। इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक और एक चीज़ SBI ने बताया कि जिन लोगों का एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 25,000 से ज़्यादा है मेंटेन रखते हैं, मतलब 25,000 से ऊपर मेंटेन रखते हैं, तो उन लोगों के लिए SBI का जो विड्रॉल लिमिट है खुद का वो अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो मेट्रो से हो चाहे नॉन मेट्रो से बिलोंग करते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि 25,000 से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में मंथली, तो ही आपको ये सुविधा मिलेगा। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। जो दोस्तों, कैश डिपॉजिट में भी पहले पैसा नहीं लगता था, अब इससे पैसा लगेगा, लेकिन कब कितना लगेगा वो मैं बता देता हूँ। महीने का 3 जो है डिपॉजिट आपका जो है फ्री है, कैश डिपॉजिट फ्री है, या फिर अगर आप विड्रॉल करने जाते हो तो 3 विड्रॉल आपका फ्री है, उसके बाद अगर करते हो तो आपका 50 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब होता है 9 रुपये, सो 50 प्लस 9 59 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाएगा। जी दोस्तों, ये मुझे एकदम सही नहीं लगा, बहुत गलत है ये, बहुत मतलब कैश डिपॉजिट उठाने के लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ सर्विस अभी फ्री नहीं रहा दोस्तों, घुमा फिरा के आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैंक में जाके पैसा उठाओ चाहे ATM से जाके उठाओ, पैसा देना पड़ेगा। आप बात करते हैं कि आप अगर पैसा जमा करते हो सो एक दिन में 2 लाख का लिमिट है फॉर नॉन होम ब्रांच, मतलब अगर आपका होम ब्रांच के छोड़ कर दूसरी जगह पे आप ब्रांच में SBI का ब्रांच में पैसा जमा करने जाते हो तो एक दिन में डिपॉजिट का लिमिट है 2 लाख, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट जमा करना है तो आपको होम ब्रांच में आना पड़ेगा। सो लास्ट जो अपडेट है वो हम बात करते हैं अभी, वो है NEFT चार्जेस। तो NEFT चार्जेस जो है अप टू 10,000 2 रुपये प्लस GST लगेगा 18%, 2,000 से ऊपर 2 लाख तक जो अमाउंट है उसके लिए 20 रुपये प्लस 18% GST। अब आते हैं RTGS चार्जेस। RTGS चार्जेस जो है 2 से 5 लाख के अंदर अगर RTGS करते हैं तो आपको चार्जेस लगता है 20 रुपये पर प्लस GST, और 5 लाख के ऊपर होता है तो 40 रुपये पर GST प्लस GST। सो दोस्तों, ये था मोटा मोटा अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस तरीके से वीडियो देखने के लिए।